कुनू नेशनल पार्क से लगातार बड़ी खुशखबरी सामने आ रही। देश की धरती पर बने चीतों के इकलौते घर मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुनू नेशनल पार्क से एक दिन पहले मिली खुशखबरी अब दोगुनी हो गई है। इसकी वजह है कुनू में चीता ज्वाला ने तीन नहीं बल्कि चार शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के वन्य जीव योद्धा ज्वाला के करीब पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने पाया कि उसने तीन नहीं बल्कि चार शावकों को जन्म दिया है। इसमें हमारा आनंद कई गुना बढ़ गया है। सभी को बधाई। हम प्रार्थना करते हैं कि शावक भारत में अपने घर में फले फूले और समृद्ध हो। जाने कुनू नेशनल पार्क में कैसे बढ़ रहा चीतों का कुनबा। गौरतलब है कि पिछले साल 27 मार्च 2023 को भी ज्वाला ने चार शावकों को जन्म दिया था, लेकिन इनमें से तीन शावकों की मौत हो गई। एक मादा शावक फिलहाल पूर्णतः स्वस्थ है, वह 9 माह की हो चुका है। वही नामीबिया चीता आशा ने भी 3 जनवरी 2024 को तीन शावकों को जन्म दिया था, जिसके कुछ दिन बाद ही ज्वाला ने भी शावकों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि कुनू में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से दो चरणों में कुल 20 चीते लाए गए थे, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। अब शावकों की संख्या कुनू में 8 हो गई है, जो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए चीता प्रोजेक्ट के पिछले लगभग 1.5 साल में बड़ी उपलब्धि है। कुनू नेशनल पार्क में वर्तमान में 13 वयस्क और 8 शावक मौजूद है, यानी अब कुल 21 चीते हो गए हैं।